विधानसभा क्षेत्र के तहत परते गांव अपर अरणियाली के रीवीदास मंदिर के प्रांगण में विधायक सतपाल सिंह रायजादा ने शक्ति ऐप का शुभ मुहूर्त किया। उन्होंने इस मौके पर वहां आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2019 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसलिए अपने अपने क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने के लिए अभी से प्रयास करें। सर, जो ये आज मीटिंग रखी गई है, इसका मेन उद्देश्य क्या था? जो आज की मीटिंग थी, ये हमारे जो राहुल गांधी जी ने शक्ति प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिससे आम लोगों को हमारे जो गांव-गांव के वर्कर्स हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ने के लिए जो शक्ति प्रोजेक्ट चलाया है, उसके लिए मीटिंग रखी है। और ये आज से हमने इसका शुभारंभ किया शक्ति प्रोजेक्ट का, और आने वाले दिनों में हर गांव में शक्ति प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाएगा और इसके फायदे जो होंगे आने वाले समय में उसके बारे में डिटेल में लोगों को समझाया जाएगा। ओके सर, जो ये ऐप है, इससे फायदा क्या होगा, अगर आप बताएं कुछ? इससे सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि जो भी समस्याएं हैं, लोग सीधे अपने लीडर तक पहुंचा सकते हैं, और जब हाईकमान तक ये समस्याएं पहुंचती हैं तो वो हाईकमान से एक आदेश आता है वहाँ के विधायक को, वहाँ के MPs को, कि आपके प्रदेश में या आपके विधानसभा क्षेत्र में ये समस्या आ रही है, इसके ऊपर आप क्या कार्य कर रहे हैं। तो जो वहाँ का जो विधायक है या MPs है, वो उसके ऊपर कार्रवाई जो अच्छे तरीके से करने की वो। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए ऊना से पूनम शर्मा की रिपोर्ट।